कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, पंख होते हैं, और वो उड़ता है तो बहुत तेज उड़ता है, मगर जितनी तेज वो उड़ता है उतनी ही तेज जमीन पर आकर ध्वस्त भी हो जाता है। ऐसा ही एक झूठ उड़ाया गया सुशांत की मौत पर। लेकिन देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक एम्स के डॉक्टर्स ने जो कहा वो सुनिए। कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे। एलिगेशन का ये मतलब नहीं ना सच हो गया। फॉल प्ले कुछ नहीं है अभी तक तो निकल। ये सुशांत की मौत पर भ्रम फैलाने वालों से सावधान होने का वक्त है। ये समय है सुशांत की मौत का तमाशा बना देने वालों से बचने का। ये समय है चिल्ला चिल्ला कर सच को शोर में दबा देने वालों को बेनकाब करने का। ये समय है एम्स की रिपोर्ट पर शक करने वालों का पर्दाफाश करने का। ये समय है सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के काबिल डॉक्टरों की इज्जत उछालने वालों को बेनकाब करने का। झूठ के पांव नहीं होते, पंख होते हैं। वो उड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन जितनी तेज उड़ता है उतनी ही तेज जमीन पर आकर ध्वस्त हो जाता है। ऐसा ही एक झूठ उड़ाया गया सुशांत की मौत पर। लेकिन देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक एम्स के डॉक्टरों ने जो कहा वो सुनिए। ये उस भ्रम को चकनाचूर करने वाला है जो चीख चिल्ला कर बताया जा रहा है। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं। एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग। एम्स के फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर आदर्श कुमार का ये सच उस झूठ की चिंदियां उड़ा रहा है जो बार बार सुशांत के नाम पर बोला जा रहा है। वो झूठ जो सुशांत के चाहने वालों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। वो झूठ जो बार बार सुशांत के चले जाने से मिले जख्म को कुरेद रहा है। वो झूठ जो सुशांत की आत्मा को छलनी कर रहा है। और ये झूठ वही बोल रहा है जिसकी आदत में शुमार है चीखना चिल्लाना और शोर करके सच दबाना। आगे सुनिए सुशांत के नाम पर ड्रामेबाजी का डंका बजाने वालों के कान के पर्दे फट जाएंगे। सर आप लोग रिक्रिएशन के लिए सर गए थे वहाँ? तो क्या वहाँ पे मतलब कि वो हैंगिंग खुद से कर सकता था? बेड और वॉल के जगह पे इतना जगह थी? आराम से, आराम से, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बार बार लगातार फरेब का वरक चढ़ाने वालों के चेहरे का रंग एम्स के डॉक्टर के बयान से उड़ जाने वाला है। सुनिए और सोचिए कि कैसे एक बेहिसाब बेहतरीन और बेमिसाल अदाकार की मौत पर लालच की रोटियां सेकी गई। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं। एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग। ओके, वो ओवर एंड अबव क्या है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, तो विल सी। आप दोबारा जाने वाले हैं? नहीं नहीं, जाने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। दोबारा कुछ ले जाएंगे, कर लिया हमने जो था हमारा, तो हो गया सारा। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं, चैप्टर क्लोज है। एम्स की गिनती दुनिया के सबसे शानदार बेमिसाल और बेहतरीन अस्पतालों में होती है। यहाँ के डॉक्टरों की ख्याति दुनिया के कोने कोने में है। उसी एम्स की फोरेंसिक टीम के डॉक्टरों ने सुशांत केस की जांच शुरू की थी मुंबई जाकर, लेकिन उन्हें मिला क्या, सुनिए।
ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला। तो नाच न जाने अदरक का स्वाद। आपको लग रहा होगा कि दो मुहावरों को जोड़कर मुहावरे की बखिया उधेड़ दी गई, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भ्रम फैलाने वाले ने ठीक इसी तरह सुशांत की मौत और ड्रग्स एंगल को जोड़कर चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, नाच नाच के बरगलाना शुरू किया। लेकिन सच तो सच है, वो तो 100 झूठ की बुनियाद को भी फाड़ कर बाहर आता है। अब आपको CFSL के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमितोष का बयान सुनाते हैं। यकीन मानिए, सुशांत की मौत को जबरदस्ती हत्या साबित करने के लिए शोर मचाने वालों की जुबान पर ताला लग जाएगा। फॉल प्ले कुछ नहीं है अभी तक तो निकल गया। आप कोर्ट में साबित भी तो करोगे, थोड़ी किसी को ऐसे कह दो मर्डर है। अब खाली यूं कह दोगे मर्डर, हाँ जी मर्डर है, तो मीडिया वाले सामने मर्डर मर्डर गाए जा रहे हैं। सुशांत की मौत कैसे हुई, सुशांत की मौत क्यों हुई, सुशांत की मौत का सच क्या है, इन सब सवालों से हमारा सरोकार है। सुशांत के चाहने वालों की तरह हम भी चाहते हैं कि सुशांत की मौत का सच सामने आए, क्योंकि सुशांत इस देश का बेटा था, फिल्मी दुनिया में उभरता हुआ नायक था, लेकिन चंद लोगों ने सुशांत की मौत का जिस तरह से तमाशा बनाया वो शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। मिलन शर्मा के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।